हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी नेमा दिस साइड। और आज हम बना रहे हैं सुपर मैंगो केक। दोस्तों, समर सीजन में मैंगो केक बनाना तो बनता ही है, बहुत यम्मी लगता है दोस्तों, और रेसिपी भी बहुत आसान है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही शानदार शानदार रेसिपीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही शानदार रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं मैंगो केक। दोस्तों, मैंगो केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली कट करके 1 कप मैंगोज़ लिए हैं, और इसी के साथ साथ मैंने लेना है 1 कप मैदा, 1/2 कप शुगर पाउडर, आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं दोस्तों, 1/3 कप ऑयल, और 1/4 कप मैंने लिया है घी। सबसे पहले हमने लेना है केक टिन, और केक टिन में हमने लगाना है ऑयल। ऑयल को हमने सभी तरफ चारों साइड से इस तरह से हमने लगा देना है, और अब हमने लगाना है मैदा। तो मैदा को हमने चारों साइड से स्प्रेड करना है, इसकी सारी एजेस में और साइड्स में हमने मैदा को अच्छे से स्प्रेड करना है। देखिए, इस तरह से हमने मैदा को स्प्रेड करना है। तो केक टिन तैयार है दोस्तों। बेक करने के लिए हमने लेना है कढ़ाई, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। और अब हमने रखना है स्टैंड, और अब हमने इसे कवर कर देना है, और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने इसे प्री हीट करना है। जब तक कढ़ाई प्री हीट होती है, हम बना लेते हैं मैंगो का बैटर। बैटर बनाने के लिए हमने लेना है 1 मिक्सिंग जार, और 1 कप मैंगोज हमने इसमें डाल देने हैं, और इसी के साथ साथ इसमें हमने डालना है 1/2 कप शुगर पाउडर, आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं, और 1/2 कप के लगभग अब इसमें जाएगा मिल्क। कवर करेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंगो प्यूरी तैयार है। और अब हमने लेना है बाउल, बाउल में हमने डालना है मैंगो प्यूरी जो अभी हमने बनाया था, और इसी के साथ साथ अब इसमें डालेंगे हम घी और 1/3 कप ऑयल। मिक्स करेंगे हम सभी चीज़ों को, परफेक्ट मिक्सचर, नाइस। अब हमने लेना है सीव और छलनी, और इसमें हमने डालना है 1 कप मैदा, साथ ही साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा और मीठा सोडा। छान लेंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों, ये छोटी छोटी प्रोसेस इंपॉर्टेंट हैं। छानने से क्या होगा कि केक में एयर पहुंचेगी और केक को फूलने में हेल्प होगी। सभी चीज़ों को हमने मिलाना है, मिक्स करना है, और स्मूथ बैटर हमने तैयार करना है। बैटर अभी थिक है दोस्तों, हमें इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिल्क और डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून मिल्क डालूंगी। मिक्स करेंगे इसे। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है, नाइस। तो केक मोल्ड को हमने पहले से तैयार करके रखा था दोस्तों, तो अब हम इसमें डालेंगे बैटर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिए हैं पिस्टेशियो, और इन्हें मैंने कट करके लिया है, तो हम डाल देंगे पिस्टेशियो केक के ऊपर से। वाओ, व्हाट अ कूल लुक। और अब हम इसे टैप करेंगे। केक मोल्ड रेडी है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं इसे बेक करने की प्रोसेस में। हमने कढ़ाई को पहले से प्री हीट कर लिया था, और अब हम रखेंगे इसमें केक मोल्ड, कवर करेंगे इसे, और इसे 30 से 35 मिनट के लिए हमने बेक करने के लिए रखना है। तो 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक करेंगे। स्पून में केक नहीं लगा है, इट मींस केक परफेक्टली बेक हो चुका है। ठंडा होने पर मैं इसे निकाल लूंगी।
10-15 मिनट हो चुके हैं और केक भी ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो केक जैसे ही ठंडा होता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी केक टिन से अपनी साइड्स को छोड़ देता है। ये देखिए दोस्तों, केक ने अपनी साइड्स को छोड़ दिया है। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे और देखिएगा कि केक आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, केक कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गया विदाउट यूजिंग एनी बटर पेपर। बहुत ही यम्मी केक बनता है दोस्तों ये, और बहुत ही शानदार लगता है, और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है दोस्तों। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इस रेसिपी को कब बना रहे हो। मिलते हैं ऐसी ही शानदार शानदार रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।